So hello, hi, and welcome to all. आज के इस सेशन में हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर का. सो चलिए विदाउट एनी हेजिटेशन स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट. ये पार्ट में हमारा डिस्कशन रहेगा फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में. फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको हम ड्रैग भी कहते हैं. ड्रैग तो सबसे पहले हमने फ्रिक्शन देखा. फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज द फोर्स. फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस. फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है दैट अपोजेस मोशन. मोशन को जो रोकेगा, जो मोशन को रोकेगा हम उसे कहते हैं फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही हो तो उस पर फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा. अगर मोशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में होगा. अगर मोशन ऊपर हो रहा है तो फ्रिक्शन नीचे की ओर होगा. अगर मोशन नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर रहेगा. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हमने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो इसीलिए रेस्ट में है क्योंकि उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स पड़ रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. मान लो कोई रूम में कोई टेबल एक जगह पे टिका हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. कोई टेबल एक जगह पे रुका हुआ है, कोई बेड एक जगह पे रुका हुआ है, या फिर कोई चेयर एक जगह पे रुका हुआ है तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन काम में आता है, वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. उसके बाद आया स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा हो, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा हो तो हम उसी फ्रिक्शन को कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन. उसके बाद आया नेक्स्ट रोलिंग फ्रिक्शन. अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन. जैसे जो साइकिल होता है वो रोड के ऊपर रोल करके चलता है, बाइक्स के टायर रोल करके चलते हैं, जो लगेज होते हैं बड़े बड़े हेवी लगेजेस उनमें भी रोल जो व्हील लगा होता है तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन. लेकिन अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में. तो फ्लूइड फ्रिक्शन को समझने के लिए सबसे पहले फ्लूइड क्या है ये तो समझना पड़ेगा. तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड होता है द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इजीली. कोई सब्सटेंस है अगर वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से फ्लो कर रहा है तो हम उसे कहेंगे फ्लूइड कहेंगे. जैसे एयर है और लिक्विड से, तो दिस इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन. नहीं, फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं, एयर को और लिक्विड को हम कहेंगे फ्लूइड.
क्योंकि ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से फ्लो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए एयर को और लिक्विड को हम कहते हैं फ्लूइड। जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर भी एक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर भी काम करता है। आपने देखा होगा जो मेटियोर्स होते हैं, मेटियोर्स मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो अर्थ के बाहर घूमते रहते हैं, और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं तो क्या होता है, तो वो जलने लगते हैं एकदम, जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। तो ये जो मेटियोर्स होते हैं, जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तब क्या होता है, जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में तो गैसेस प्रेजेंट है, एयर या फिर गैसेस, तो गैसेस के साथ ये जो मेटियोर होता है उनका फ्रिक्शन होता है, जिससे फ्रिक्शन से बहुत सारा एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होता है, जिससे ये जो मेटियोर होता है वो जल जाता है और हमको लाइट मिलती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमने साफ तरीके से देख लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में या फिर गैस में अगर मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर भी एक फ्रिक्शन, उसके ऊपर भी फ्रिक्शन लगेगा, और उसी फ्रिक्शन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं ड्रैग, ठीक है, उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं ड्रैग, इसको ही कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में या फिर गैस में मूव करता है, तो उसके ऊपर भी एक फोर्स, उसके ऊपर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसको कैसे कम किया जाए, तो सबसे पहले फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट का शेप और ऑब्जेक्ट स्पीड, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है फ्लूइड फ्रिक्शन, शेप एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप को तो हम चेंज कर सकते हैं, स्पीड को तो कम किया नहीं जा सकता, लेकिन हम शेप को कम कर सकते हैं, शेप को कम नहीं कर सकते, शेप में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। जो बार्ड्स होते हैं और जो फिशेस होते हैं, उनकी जो बॉडी शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या, ये एक फिश है, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप का मतलब क्या, इसका जो हेड पार्ट होगा नैरो होगा, मिडिल पार्ट जो होगा वाइड हो जाएगा, और जो टेल पार्ट होगा ये भी नैरो हो जाएगा। इसी शेप को कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करने वाला है या फिर करेगा, उसका जो शेप है उसको चेंज करके ऐसे स्ट्रीमलाइन किया जाता है। अभी जैसे जो एरोप्लेन्स होते हैं या जेट होते हैं
या रॉकेट्स होते हैं या स्पेसशिप को ले लो, उन्हीं सभी की जो डिजाइन होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, जिससे जो फ्रिक्शन है वो कम होता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा नज़र घुमा दो, क्या क्या हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक आप सब ने देख लिया होगा, तो ब्लैक बोर्ड को साफ कर देते हैं बिना किसी देरी के और एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद सबसे पहले फास्ट क्वेश्चन दिया है यहां पर, CISC पहला क्वेश्चन दिया है इसने, फिल इन द ब्लैंक्स। वन नंबर ए, फ्रिक्शन अपोजिट्स द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जो फ्रिक्शन होता है अपोजिट द डैश, किसको अपोज करता है? अपोजिट द मोशन, मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन सरफेस के किस कौन से चीज के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द रफनेस और स्मूथनेस। फ्रिक्शन रफनेस और स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सी, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस व्हाट। जो फ्रिक्शन है वो क्या प्रोड्यूस करता है? और इसका आंसर जो होगा, हीट। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। डी, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, डैश फ्रिक्शन। कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर स्प्रिंकल करने से फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन रिड्यूसेस, कम हो जाता है। ई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले क्या होता है? स्मॉलर, कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में दिया है, फोर चिल्ड्रेन वेयर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज दे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर गिवन बिलो। ये पूछ रहा है के रोलिंग फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन को और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। उसके बाद स्लाइडिंग आएगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है। और लास्ट में आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो आंसर होगा आपका डी, स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रिक्शन कम होगा। स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग, ठीक है। तो स्टैटिक
स्लाइडिंग एंड रोलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Alida runs her toy car on dry marble floor. Dry marble floor. Wet marble floor. Wet marble floor. Newspaper and towel. Newspaper एंड टॉवल. अलीदा जो है एक लड़की है जिसने अपनी टॉय कार को इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर दौड़ाया और ये क्वेश्चन पूछ रहा है अरेंज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कहाँ पर सबसे कम फ्रिक्शन लगेगी. वेट मार्बल फ्लोर में सबसे कम लगेगी, उसके बाद ड्राई मार्बल फ्लोर में लगेगी, उसके बाद न्यूज़पेपर में, उसके बाद टॉवल. 4 1 3 2 4. सो वेट मार्बल कहाँ पे है? पहले ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी है. वेट मार्बल के बाद नंबर 2 में ड्राई मार्बल आता है और ड्राई मार्बल कहाँ पे है? ऑप्शन ए और डी में भी प्रेजेंट है. तो 3 में आता है न्यूज़पेपर. कहाँ पे है न्यूज़पेपर? ऑप्शन ए में है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है. सपोज यू आर राइटिंग, योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड ए लिटिल. आप जो डेस्क के ऊपर लिखते हो वो ऐसा थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, आपका राइटिंग डेस्क ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो गया है. ए बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग. और यहाँ पर आपने किताब रखी है जो ऐसे नीचे स्लाइड कर रहा है. क्वेश्चन दिया है शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. You will spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. तो ये एक मार्बल फ्लोर है आपने क्या किया इसके ऊपर सोपी वाटर साबुन से भरा हुआ पानी आपने इसके ऊपर डाल दिया. सोपी वाटर साबुन से भरा हुआ पानी आपने इसके ऊपर डाल दिया. वुड इट मेक इजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर? व्हाई? अब ये पूछ रहा है कि क्या आप इसके ऊपर आराम से चल सकोगे, अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो क्यों हाँ. तो इसका आंसर होगा अगर हम इसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे क्योंकि मार्बल तो वैसे ही बहुत ही स्मूथ है और इसके ऊपर आपने सोपी वाटर डाल दिया जिससे क्या होगा जो थोड़ा बहुत रफ सरफेस होगा मार्बल के ऊपर वो एकदम सोपी वाटर से भर जाएगा और भी स्मूथ हो जाएगा जिससे क्या होगा यहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा और आपकी जो पैर है वो फिसलेगी इसलिए आप ठीक से ढंग से इसके ऊपर नहीं चल पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। ये पूछ रहा है जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके शू में स्पाइक क्यों रहता है। तो सबसे पहले जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ये ज़्यादातर भागा दौड़ी करते हैं कहाँ पर, ग्रास फील्ड में। तो घास की जो मैदान होती है वो थोड़ा सा स्मूथ होती है, जिससे क्या होता है फ्रिक्शन कम हो जाता है। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो वो उनकी जो पैर है वो स्लिप करेगा। स्पाइक वाला शू इसीलिए पहनते हैं क्योंकि जो स्पाइक है वो मिट्टी के अंदर घुस जाएगा या फिर फ्रिक्शन को बढ़ाएगा, जिससे उनकी जो पैर है वो फिसलेगी नहीं और वो आराम से दौड़ सकते हैं सरफेस के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, इकबाल हैज टू पुश ए लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश ए सिमिलर हेवियर बॉक्स। तो यहाँ पर एक लाइटर बॉक्स रखा गया है और यहाँ पर एक हेवियर बॉक्स रखा है। इकबाल इसको पुश करेगा और सीमा इसको पुश करेगी। दिस इज इकबाल एंड दिस इज सीमा। ये दोनों बॉक्स सेम फ्लोर में रखे गए हैं। हु विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स एंड व्हाई। दोनों में से सबसे ज्यादा फोर्स किसको लगाना पड़ेगा? सबसे ज्यादा फोर्स सीमा को लगाना पड़ेगा क्योंकि बॉक्स हैवी है, बॉक्स हैवी है तो प्रेशर भी, प्रेशर ऑन द फ्लोर विल बी मोर। फ्लोर के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर प्रेशर ज्यादा है देन फ्रिक्शन विल बी मोर, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, तो जिससे सीमा को और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये पूछ रहा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में से स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये बात को समझो, ये एक स्लांट सरफेस है। अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका जो सरफेस है ये बहुत ही रफ होगा। अगर यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, बॉक्स को रखते हैं ऐसे, और बॉक्स का अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में लाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो होता क्या है, ये जो बॉक्स मैंने सरफेस के ऊपर रखा, रखने के बाद ही बॉक्स स्लाइड करना शुरू किया, तब क्या होता है, ये जो ग्रूव होते हैं, फ्लोर के ग्रूव्स और बॉक्सेस के ग्रूव जो होते हैं, इनको लॉक होने में उतना टाइम नहीं मिलता जितना स्टैटिक में मिलता है। ये दोनों कांस्टेंट है, मूव नहीं किए, और दोनों को इतना टाइम मिल गया, दोनों के जो ग्रुप्स हैं वो इंटरलॉक हो गए क्विकली। लेकिन यहाँ पर दोनों सरफेस को इंटरलॉक होने का उतना टाइम नहीं मिला, जिससे ये इंटरलॉक नहीं हो पाए और ये जो बॉक्स है ये नीचे फिसलता गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन दिया है, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फॉय। फ्रिक्शन फ्रेंड है और फॉय भी है, मतलब हमारा दुश्मन भी है। एग्जाम्पल दीजिए। सो फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड हम लिख सकते हैं, हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, चल पाते हैं, दीवार में कील भी ठोकते हैं, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन एज फ्रेंड। और फॉय का मतलब फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन की वजह से मशीनरी पार्ट्स वेयर एंड टियर हो जाता है, फ्रिक्शन की मदद से हमारा शू का जो सोल है वो भी ख़त्म हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक पैड भी ख़त्म हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से बाइक का जो टायर है वो भी ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स
मूविंग इन फ्लूइड्स मोस्ट हैव ए स्पेशल शेप। जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करते हैं उनको एक स्पेशल शेप क्यों दिया जाता है, और हमने ये बात ध्यान से देख भी लिया है कि जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करते हैं उनके ऊपर भी एक फ्रिक्शन काम करता है जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर ड्रैग बोलते हैं। तो ड्रैग को कम करने के लिए हमें फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसका जो शेप है उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है। अगर स्ट्रीमलाइन करेंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ऑब्जेक्ट आराम से मूव कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।